हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने सोचा, इतने कम पैसे में जिस तरह से हमने ये मिशन को कामयाब किया है, लेकिन आप उस टीम का हिस्सा रहे जिसने तमाम जो कैमराज के प्रोविजन होने थे, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, आपका वो अनुभव हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज सबकी धड़कनें इस बात को लेकर तेज हैं कि लगभग 1:55 पर, आधी रात पर, जब पूरा इंडिया जागेगा ये नजारा देखने के लिए, वो विक्रम, और इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि विक्रम लैंडर, हमने विक्रम साराभाई पर उस लैंडर का नाम दिया है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। कौन सी टेक्निक, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें 3 कैमराज लगाए गए हैं, सॉफ्ट लैंडिंग बड़ा ही क्रिटिकल मोमेंट रहेगा, बहुत ही नाजुक लम्हा रहेगा जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, वो पूरी लैंडिंग जो आज की जाएगी उसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर है, जो मेहनत हुई है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आकाश, धन्यवाद अंजना। पहले तो बहुत बहुत मुबारक सबको। इंडीड हमारे देश के लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है जब भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है मून पे, और वो भी साउथ पोल पे, जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है। तो मैं इसरो का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने हमारे ऐसे स्टार्टअप को मौका दिया कि हम इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मेनली लैंडिंग और रोवर पर रहा है। तो लैंडिंग में मैं बता दूं कि लैंडिंग के लिए, लैंडर विक्रम के लिए जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हाँ, बहुत ही वो क्रिटिकल पार्ट है और बड़ा ही मुश्किल पार्ट है। एक तो आप ये समझिए कि धरती पे जब भी कोई विमान या यान लैंड करता है तो हमारे पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैटेलाइट्स हैं, GPS हैं, जो कि उसकी मदद करते हैं। वहाँ पर उसको ऑलमोस्ट खुद ही ये काम करना है। तो कुछ सेट ऑफ सेंसर्स होते हैं, एक्सेलरोमीटर है, जायरोस्कोप है, और उनको आपस में एक स्मार्ट एल्गोरिथम जिसे कैलमन फिल्टर कहते हैं, उससे कंबाइन करके उसको बहुत हर मोमेंट अपनी स्टेट को एस्टिमेट करते हुए और ध्यान से लैंड करना है। तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा रहा, और बहुत ही चैलेंजिंग ये काम रहा। अभी भी ऑफकोर्स सब लोग, हम लोग एंक्शियस हैं, बट वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गो वेरी वेल।